तो ये हाउस बोट जाने की शुरुआत जो है ये हो चुकी है। ये दोनों तरफ जो है ऐसा हाउस बोट लगा हुआ है और हम लोग अभी पैदल रैंप पर चल रहे हैं। बदन को कपड़े का टेंशन नहीं, कपड़े ना गीले हो जाएं तो आप तो एक्स्ट्रा तिरपाल जो है डाल देना। ट्रिप की शुरुआत जो है ये वेलकम ड्रिंक से हुआ है, मैंगो जूस, और बाकी लोग जो हैं वो टी उन्होंने ऑफर किया है। तो ये जो हमारा झगझगा है शुरू हो गया है और ये जो ड्राइवर साहब हैं आ गए और ये गियर वेयर लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो ये रिवर्स गियर डाल दिया उन्होंने, रिवर्स गियर जो है वो लग चुका है गाड़ी में। ओके सर, ओके, थैंक यू, मिलता है शाम को। तो ये हमारे ड्राइवर और यहाँ के जो मैनेजर थे बोट के वो चले गए हैं और ये झगझगा जो हमारा चल पड़ा है। ये बोट हाउस के डेक पे सारे लोग खड़े हुए हैं और ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये चल रही है गाड़ी, गियर लगा लिया है इन्होंने। ये डेक का सीन, ये है जो डेक और ये बोट अब बिल्कुल बीचों बीच इस पंपा रिवर के बीचों बीच आ चुकी। ये देखिए आप, और इस तरफ के व्यू से चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे डेक के दूसरी तरफ। तो ये डेक के दूसरी तरफ आ गए हैं और ये पंपा रिवर जो है इसी नदी के किनारे सबरी का आश्रम था जहाँ भगवान राम आए थे सबरी के आश्रम में, और सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर जो खिलाए थे, जो जनश्रुति है और जो कथा रामायण में आती है, प्रेम के वशीभूत होकर राम ने इसी नदी के किनारे बने हुए आश्रम में सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो ये वही पंपा नदी है जिस पर हम लोग हाउस बोट के द्वारा यात्रा कर रहे हैं सपरिवार, और बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। बोलिए आप भी अपने बारे में कुछ बताइए, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि सबरी ने जब रामचंद्र जी ने यहाँ पर आए थे तो उनका यहाँ आश्रम था और उन्होंने अपने जूठे बेर ने वो तो बता दिया, और कुछ नया बताओ? नया कुछ नहीं, यहाँ बहुत अच्छा टेम्पल है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये नदी में। और ये देखो ये एक और बोट हाउस जो है हमको और ये पास कर रही है, लोगों ने जो चाय का ऑर्डर किया था बगल में चाय आ रही है भाई साहब, चाय को भी कवर करना है। तो ये चाय जो है ये आ चुकी है अंदर लग रही है डाइनिंग में। ये चाय जो है आ चुकी है, तो वेलकम ड्रिंक में जिनने ऑरेंज जूस पिया था तो उसको उनको भी काफ़ी समय हो गया है, तो ऑरेंज जूस पीने वाले भी अब चाय पी सकते हैं। चाय वो है गिनती की आई है, जिन्होंने ऑरेंज जूस नहीं किया है नहीं नहीं हाथ हो सकता है, उसमें क्या है, सभी प्रकार का कस्टमाइजेशन जो है वो संभव है। चाय पिएगा? कक्का को बुलाया जाए आगे। कक्का आए, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। नदी चल रही है, मुँह ना फंसाओ ना इसमें रस्सी में। ये बताओ ये चल रही है नदी, आँख खोलो, आँख खोल के देखो, देखो कहाँ है नदी, कहाँ है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है।
अभी 24 आवर रुकेंगे, आज नाइट हॉल्ट है यहीं पे। दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। खाना होगा, इन हाउस बोट ब्रेकफास्ट तीन होगा। ये हाउस बोट का पीछे का व्यू है, देख सकते हैं आप, एक हाउस बोट और आ रही है। हाउस बोट के बिल्कुल फ्रंट साइड, उसमें नहीं, हम लोग बैक साइड में है। बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। और ये किचन है, हाउस बोट का किचन, हम लोग का पर्सनली किचन है, जहाँ हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है विदाउट स्पाइसी खाना वो बन रहा है। नाइट में भी रहेंगे। अब इस हाउस बोट में आगे क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। चलो देखना पीछे हाउस बोट का किचन, जहाँ पे हम लोग का पर्सनली जो खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया। हाउस बोट का किचन है जहाँ पर जो कुक है वो हम लोग का पर्सनली फूड रेडी कर रहा है, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है विदाउट स्पाइसी। और ये देख सकते हैं आप, बस जैसे कि अपने घर में बीच में गैलरी वगैरह रहती है ना, उसी टाइप से ये हाउस बोट की भी। मेरे को तो इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। शाम जहाँ देखो चारों तरफ पानी ही पानी का नज़ारा है, वो भी बहुत सुंदर नज़ारा। और ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट रूम है हम लोगों ने जो 3 BHK वाला हाउस बोट रहता है, हम लोगों ने वो लिया। ये देख सकते हैं, ये है लास्ट रूम, ये है रूम, ये लास्ट रूम है। फर्स्ट सेकंड आगे हैं, थर्ड रूम और आगे किचन, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। ये हर रूम में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, हर रूम का, हर रूम में जो विंडो व्यू है ये इस टाइप से है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसपास आपको और जो बोट चल रही है हाउस बोट वो दिखाई पड़ रही हैं, और हर रूम में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। ये बेड है और ये देखिए बहुत सुंदर, और हर बेडरूम में है ये अटैच लेट बाथ। लग ही नहीं रहा है कि हाउस बोट में है, ये लग ही नहीं रहा कि हाउस बोट में। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी तक हम लोग जितने भी होटल वगैरह में रहकर आए, जितना भी हम लोगों ने नाइट होल्ड किया है, जितना भी हम लोग स्टे किया हम लोगों ने हर जगह, चाहे वो रामेश्वरम हो, चेन्नई हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, केरला हो, जो भी हो, सेम हम लोग को वैसे ही फीलिंग आ रही है। फिर देखिए लग ही नहीं रहा कि मतलब हाउस बोट चल रही है और हम लोग पानी में, हम लोग की बोट चल रही है। आइए आगे आपको मैं और बताती हूँ। ये है, ये देखिए हम लोग फिर हम लोग गैलरी में आ चुके हैं हाउस बोट की। और हाउस बोट इस टाइम चल रही है तो और मजा आ रहा है, और इसका मज़ा और डबल हो गया क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली के साथ में हैं। अकेले कुछ मज़ा नहीं आता, फैमिली के साथ में। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये है यहाँ का एक कॉमन वॉशरूम, जो 3 अदर बेडरूम है उसके अलावा ये एक छोटा सा अदर वॉश बेसिन दिया है, एक कॉमन वॉश बेसिन है ये। ये देखिए यहाँ मिरर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा, एकदम क्लीन, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये देखिए बालकनी, यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स हैं, गैलरी है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। यहाँ हम लोग कल घूमने जाएंगे, ये यहाँ का फेमस कथक है क्या है। लौकी, कुमड़ा, ये सामर में, सामर में ये डाला, ये डाला, और क्या क्या डाला इसमें, इसमें क्या क्या डाला, दाल और वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल और दाल उबलने रख दिया। अच्छा फिर उसको फ्राई करेगा, इसको छोकोगे? अच्छा जब बनाओगे तो मेरे को बताना, अच्छा लग रहा बनाना। किचन तो बहुत अच्छा है इनका, बनाने का ढंग भी बहुत अच्छा, साफ सुथरा आदमी बना रहा है। दाल उबलने रखी है, उसमें सब वेजिटेबल, कुमड़ा है और क्या बोलते हैं, तुरैया है, लौकी है, और ये सब चीज़ डाली उसने, और उसको फ्राई कर रहा है, उबाल रहा है। उबालने के बाद वो हल्का फ्राई करेगा, बिल्कुल तब फ्राई करेगा तो मैं आऊँगी किचन में।
तुम भी लगा लो अपनी मंगलंगला को फोन, किसी को दिखा दो, क्यों मुक्कू को दिखा दो कॉल करके, क्यों देखो दूर दूर तक पानी, चारों तरफ पानी, चारों तरफ पानी। कौन कौन कर ली वीडियो कॉल? बस बड़े भैया को करी और मुन्ना बल्लू को करी। अब बोल रहा मजल भैया से बात करनी थी, जरा देखा लगा दिया आ गया। जितने अधिकतम लोगों को हो सकता था वीडियो कॉल करके यहीं से दर्शन करा दिए गए, एज मैक्सिमम एज शी कैन। समय दोपहर का 2:30 बजा है और लंच के लिए हमने स्टे लिया है सिनेटिक व्यू पॉइंट पर। ये राइट हैंड साइड पर जो हैं चावल के, राइस के खेत हैं, चावल के खेत हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर पंपा रिवर है ये, और ये बैक में जो हैं और इसी तरह की जो बोट हाउस हैं वो रुकी हुई हैं। तो 2:30 बजे ये सिनेटिक पॉइंट पर हमने होल्ड लिया है लंच के लिए। लंच में जो है वो बीन था, कोकोनट बीन, बीन्स की सब्जी को नारियल के साथ बनाया गया, और सांभर था, राइस था, कस्टमाइज लंच था। 24 घंटे पहले आगे जो शेफ़ उन्होंने कॉल करके लंच का मेन्यू हमसे पहले डिसाइड कर लिया था। तो चूँकि बहुत दिनों से हम लोग साउथ इंडियन ही खा रहे थे तो बिल्कुल घर जैसा सिंपल रोटी और कम नमक और कम मिर्च मसाले वाला खाने खाने के लिए यहाँ पर सिनेटिक व्यू पॉइंट पर बहुत शानदार तरीके से होल्ड किया है। और ये जो है हमारा शायद शेफ़ है, ये फिर से कुछ लेके आया है, या शेफ़ नहीं है, ये कुछ सेल कर रहे हैं और इस सेल करने की लाए। क्या होता है इसमें? आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना है या आइसक्रीम? देखो आइसक्रीम सेल करने के लिए आए। ये आ रहे हैं? ये आ रहे नहीं आ रहे? अरे तो कब आएंगे, चले ही गए, अब चला गया। आना इस तरफ आना, इस तरफ आओ, इस तरफ, इस तरफ। बड़े इस तरफ आना, इस तरफ, तो इस तरफ आओ। लेकिन तो ये जो है साइड बाय ये आइसक्रीम सेल करने के लाए हैं। क्या क्या, कौन कौन सा है? बटरस्कॉच कॉर्न और कुल्फी। बटर स्कॉच कॉर्न और कुल्फी, और कोई खाएगा आइसक्रीम? पूछो, तुम खाओगी? 30 वाली है, 20-30 की रखी। को और कोई 20-30 का है आइसक्रीम? वन है वो 40 और देन 50। 40 और 50 का है, खाओगी बटर स्कॉच? एक बटर स्कॉच देने का। तो लंच के बाद यहाँ पर बटर स्कॉच आइसक्रीम की व्यवस्था भी जो है वो हो चुकी है। ये यहाँ पर रिवर साइड जहाँ पर हमने स्टे किया वहीं पर ये उससे आया। कहाँ जा रहा? बटर स्कॉच
वो अपनी धुन में था, मस्त मौला आदमी। वो बटर स्कॉच आइसक्रीम उससे मांगी, लेकिन वो बिना दिए ही चला गया। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। शाम का 4:30 चाय की चुस्कियों के साथ हुआ और सिनेटिक व्यू इतने शानदार कि उससे मन जो है भरने को राजी नहीं। इधर डेप्थ कितना इतना अभी है इसका नदी की? इधर का डेप्थ तो इसका 10 मीटर का ऊपर है। 10 मीटर ही ऊपर, माने 30 फीट करीब। और वो ज़्यादा वो डेप्थ अंदर में बीच सेंटर में? सेंटर में ही है 10 मीटर के ऊपर, इधर तो 7-8 मीटर। अच्छा, यहाँ 7-8 केला। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आँखों से है झांकती, तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। तो शाम का बेहतरीन वाला स्नान करने के बाद, शॉवर लेने के बाद, अब समय हो गया डिनर का। तो अब देखते हैं क्या है डिनर में। ये पनीर की सब्जी बनी है, पर ये तो मिर्ची का है। कोकोनट पनीर है, ये दाल सादी है, उसको ऑर्डर करके बोला कि बरबटी वाली है, बिना मिर्च मसाला का चाहिए, और एक भिंडी की सब्जी है, ये कोई लोकल सब्जी है, और ये चावल है, पाइनएप्पल के पीस है, स्वीट हमको तो दो एक पाइनएप्पल का। वो पाइनएप्पल में इंफ्लेमेटरी वो रहता है, सूजन को कम करता है शरीर, और चावल है, भिंडी है, बरबटी है। खाना अच्छा है, जो हमको ऐसा लगा जैसे हम घर में खा रहे हैं, घर में खा। मिर्ची कम है क्योंकि हम मिर्ची कम खाते हैं, उसको रोटी तो दो, रोटी हाँ, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, ऐसा खाना अच्छा लगता है। जी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है LFP में, और देखिए क्या शानदार व्यू है बेडरूम से, बहुत बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए सूर्य जो है आ चुका है, और ये एक सेकंड, ये अब देखेगा, ये देखिए साहब, हाँ हाँ हाँ, सुबह का बेहतरीन नज़ारा, और ये तो खुल भी सकती लगता है, अरे बहुत बढ़िया।
ये खिड़की हमने खोल ली है। ये बगल की हाउस बोट सूरज, सूरज भी स्नान कर रहा है। सन इज टेकिंग बाथ। साहब ये बेहतर नज़ारे की गुड मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है। तो अब यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट टेबल पर, बाकी सारे लोग भी शायद वहाँ पहुँच चुके हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे मुन्नार के लिए। तो एला फैंस, चर्च पर ड्रॉप होने के बाद हम अभी उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां कल हमने चेक इन किया था। चेकआउट लोकेशन डिफरेंट था, चेक इन लोकेशन डिफरेंट है, बट यहां का जो मैनेजमेंट है वो इतना कोऑपरेटिव है कि उन्होंने हमको अभी भी जाने नहीं दिया है। वो हमसे रिव्यू लेना चाहते हैं और रिव्यू लेने के लिए उन्होंने हमको इस पॉइंट पर बुलाया है। ये उनका नया शिप है, नया हाउस बोट है जिसको वो लॉन्च कर रहे हैं। तो बिफोर लॉन्चिंग, कस्टमर फीडबैक के लिए, रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ली वैकेशन के साथ आप लोग लास्ट 17 डेज आप लोग ली वैकेशन के साथ था, वो मुकुंदन कोऑर्डिनेट किया आपका टूर, और राजकुमार द ड्राइवर आपके साथ था। कैसा एक्सपीरियंस था एंड हाउस बोट का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। ली वैकेशन के साथ तो हम लास्ट 120 डेज के साथ कम्युनिकेशन में हैं। Our trip has been postponed, which has been scheduled earlier. We are planning to come here, supposed to come here in October. But due to some family casualties, we postponed our trip and we came here in the November and December. But very smooth experience with Lee Vacation, especially the Satya, the person with whom I am coordinating with, is absolutely very fine guy. He is very polite, he is very kind, he is very generous. जहाँ हमको जैसा requirement मिला उन्होंने वहाँ पर वैसा चीज़ों को flexible किया। इन बिटवीन ट्रिप भी बहुत अच्छा था और हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी बहुत औसम था। हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टिल द इवनिंग तो सब कुछ स्मूथ था, लेकिन आफ्टर द इवनिंग क्योंकि बोट मूव होना बंद हो जाता है, एक किनारे आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बोर होना चालू हो जाती हैं। बट ओवरऑल इट वॉज़ वेरी फाइन एक्सपीरियंस। आई विल रेट 5 out of 5। ओके, डिड यू रेकमेंड Lee Vacation and Oceanic Company? Definitely, at any point of time I recommend both of them. With you, this is the first time I am interacting with, but Lee Vacation ke saath to definitely go on. And houseboat, as far as the concern, the houseboat experience is concerned, absolutely fine, and I'll give you 100 points. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.